ढोल नगाड़ों की धुन, 101 बटकों के मुख से गूंजते वैदिक मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच बाबा ओंकार की नगरी में आचार्य शंकर कल साकार हुए। भारत को सांस्कृतिक धरातल पर एक सूत्र में पिरोने वाले आचार्य शंकर की मानधाता पर्वत पर 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी परमात्मानंद, स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी तीर्थानंद समेत करीब 5,000 साधु संतों और पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी सहित बड़ी संख्या में विशिष्ट जन इस गौरवमय पल के साक्षी बने। ब्रह्मोत्सव में जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने अपने उद्बोधन में पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की तारीफ करते हुए कहा, मंच पर गुलाब कोठारी बैठे हैं जिन्हें प्रायः हम वेद मूर्ति कहते हैं। उनके लेखन, चिंतन और विशेषकर वेद रक्षण को लेकर उनके कार्य अकल्पनीय और प्रशंसनीय है। वेद संरक्षण की उनकी वैदिक प्रकल्पना निसंदेह अनुकरणीय है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोठारी का मंच पर स्वागत किया। तकनीक और संचार की जगतगुरु शंकराचार्यों का ऐसा पहली बार कोई सूचना की तकनीक और संचार की इस क्रांति के युग में कोई हम इस प्रकार का आशीष और स्नेह अनुभव कर सके। मंच पर आदरणीय गुलाब कोठारी जी भी बैठे हैं जिन्हें प्राय हम सब वेद मूर्ति कहते हैं। उनके लेखन, चिंतन और विशेषकर उनके वेद रक्षण के लिए जो उनके कार्य हैं वे भी बड़े अकल्पनीय हैं, अत्यंत प्रशंसनीय हैं। और उनके वेद संरक्षण के लिए उनके जो वैदिक प्रकल्प हैं वे निसंदेह स्तुत्य और अनुकरणीय हैं।